कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को सुकमा पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाज, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाना है तो कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। सुकमा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने यहां के लोगों के लिए कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जंगल जमीन अडानी जैसे उद्योगपतियों को बेचने का आरोप लगाया। खड़गे ने मतदाताओं से सुकमा के कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्ववर्ती रमन सरकार पर फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मौत के घाट उतारने और महुआ नहीं खरीदने का भी आरोप लगाया। तो बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती, क्या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को एक वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसे ही आते हवा में। मुझे बताओ पत्रकारों को क्या मतलब है? बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया 7 साल में? क्या किया? कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले, अब उठे मैं देखा हाथ जो मैं फोटो आया हूँ तुम्हारे प्रीडिसेसर का, यानी पहले वाले चीफ मिनिस्टर का। अब तक मैं पहले तो 5 साल में कहीं नहीं देखा था, अब थोड़ा पेपर में आ रहा है, उनकी फोटो भी छप रही। तो आप लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आपको आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। हमारी सरकार फिर बनाइए और फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस की सरकार बनाइए, फिर से कर्ज माफ होगा। और साथ ही जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं केजी से केजी टू पीजी, मतलब पहली कक्षा से लेके आप बीए करें, एमए करें, बीएससी करें, एमएससी करें,
मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करें, डिप्लोमा करें, चाहे वो नर्सिंग का हो चाहे आईटीआई करो, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी फीस सरकार आपकी जमा करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश ने हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, गरीब मजदूर के बच्चे में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन पैसे के अभाव में, धन के अभाव में बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, पास हो जाते हैं, लेकिन पैसा के कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो देश में पहला राज्य है जहां बच्चों को फ्री में पढ़ाई की जाएगी। शायद देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसकी कोई इस प्रकार की व्यवस्था अपनी जाए। आदरणीय साथियों, 400 रुपए के बिजली विभाग था, चाहे वो 10 यूनिट आए चाहे 400 यूनिट आए, बिजली भी आधा देना पड़ता था। अब हमारे पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट यदि बिजली जलता है महीने में तो उसको एक पैसे भी देना नहीं पड़ेगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।